जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा से ही फ्लॉप स्टार माना गया है। कहा जाता था कि उनकी फिल्में ज़्यादा चल नहीं पाती थी और साथ ही साथ कमाई के मामले में वो हमेशा पीछे रहती थी। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, जो कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा किया है उसको देखकर साफ लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत फ्लॉप नहीं थे। आप सभी को बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पर आउटसाइडर, इनसाइडर और नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी बहस गरमाई हुई है, जिसमें कंगना रनौत सबसे आगे दिखाई दे रही हैं और सभी की पोल खोलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं किस प्रकार से कंगना रनौत ने दिल बेचारा फिल्म की रिलीज से पहले एक नई चर्चा और नया बहस शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत फ्लॉप नहीं थे। आपको बता दें, इसमें कंगना ने उन टिप्पणी को यानी कि उन तस्वीरों को शेयर किया है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि सुशांत सिंह फ्लॉप नहीं थे, जहां पे टीम ने फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के जरिए पोस्ट की गई समीक्षाओं का स्क्रीनशॉट शेयर किया। जब सुशांत की फिल्म छिछोरे हिट हुई थी, इसमें बताया गया कि छिछोरे ने गली बॉय, टोटल धमाल, साहू और केसरी जैसी बाकी फिल्मों को रिकॉर्ड कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है, जहां पे साफ साफ देखने को मिला था कि सरकार से इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए छिछोरे सबसे आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत को फ्लॉप बताया गया था। इस हिसाब से फिल्म छिछोरे ने उस समय पे 144.60 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन कंगना रनौत ने इसको शेयर करते हुए लिखा कि ये अंकों का बिजनेस है, लेकिन ये सुशांत हमेशा से फ्लॉप अभिनेता कहते रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि उनके सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखाकर, आउटसाइडर दिखाकर और फ्लॉप बताकर उसका एकदम मनोबल तोड़ना चाहते थे, जिसमें वो साकार रहे और जिसमें सफल रहे। सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरीके टूट चुके थे, अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं कंगना रनौत का बड़ा खुलासा, किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत फ्लॉप नहीं थे, उनकी फिल्म अच्छा खासा कमा रही थी, उसके बावजूद भी बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस उनको नकारते हुए क्यों दिखाई दे रहे। सवाल अब भी यही उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत आउटसाइडर थे, इसी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज उन्हें अपनाना ही चाहती थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की इतनी कम बजट की फिल्म जिसमें खर्चा ना हुआ और 100 करोड़ के पार कमाई करके दिखा रही है, वो काफी अपने आप में ही चौंका देने वाली बात थी। उसके बाद भी दर्शकों का प्यार एकदम पॉजिटिव वे में मिलता था। कंगना रनौत के इस खुलासे से आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या सुशांत सिंह राजपूत फ्लॉप थे या हीरो? कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।